हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आइस सॉर्बे, जो कि एक शुगर फ्री एंड मिल्क फ्री डिज़र्ट है। सो सॉर्बे होता क्या है? सॉर्बे एक टाइप की आइस डिज़र्ट है जो फ्रूट्स एंड अलग अलग फ्लेवर्स को साथ में ब्लेंड करके बनता है। इसमें कोई मिल्क, क्रीम या आर्टिफिशियल शुगर्स यूज़ नहीं होती। अगर आपको डेली आइसक्रीम की क्रेविंग होती है लेकिन आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेना चाहते, तो आप ये हेल्दी आइसक्रीम अल्टरनेटिव ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स सी कि हमने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक पूरा मैंगो क्यूब्ड, दो बनानास क्यूब्ड, मैंने राइप लिए हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट होते हैं, सम आइस क्यूब्स, रॉ फिल्टर अनफिल्टर्ड हनी, अब एक ब्लेंडर जार में हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपने बनानास। बनानास हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी आइसक्रीम को एक बेस देंगे और एक बहुत ही अच्छा और क्रीमी टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मैंगोज़ लेने हैं। मैंगोज़ अगर नेचुरली स्वीट है तो आपको इसमें हनी डालने की भी ज़रूरत नहीं है एंड ये कम्प्लीटली शुगर फ्री आइसक्रीम बनेगी। दिस आइसक्रीम इज़ वेरी नेचुरल। बनानास एंड मैंगोज दोनों में ही बहुत हाई फाइबर कंटेंट होता है और दे आर वेरी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन सी। तो ये बहुत ही हेल्दी अल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू योर मार्केट और स्टोर बॉट आइसक्रीम्स। अब मैंने यहाँ पे हनी ऐड किया है, बट अगर आपके बनानास एंड मैंगोज काफ़ी स्वीट हैं तो आप हनी को आराम से स्किप भी कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि अभी से इतना अच्छा लग रहा है दिखने में। द कलर ऑफ दिस मैंगोज इज सो गुड। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड करके एक थिक प्यूरी फॉर्म में लेकर आना है। सब कुछ ब्लेंड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें इसमें आइस क्यूब्स डालने हैं। आइस क्यूब्स डालना भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो ये थोड़ा स्लशी फॉर्म में आ जाएगा और इसको फ्रीज करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वीज़ किया है लेमन, बट वो मैंने खुद ऐसे ही अपने प्रेफरेंस पे डाला है। इस आइसक्रीम में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका टेक्सचर अभी कुछ मैंगो शेक टाइप है एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसको आइस क्यूब्स के साथ भी ब्लेंड किया है, इसलिए इसका टेक्सचर अभी थोड़ा सा रनी हो गया है, बट क्योंकि ये बहुत ठंडा हो गया है तो ये बहुत ही ईजिली फ्रीज हो जाएगा। अब हमें जिस बर्तन में भी इसको फ्रीज करना है सारा मिक्सचर हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र करने के बाद हमें ये फ्रीज़र में रखना है फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स, बट अगर आपने इसको आइस क्यूब्स के साथ ब्लेंड किया है तो ये जल्दी हो जाएगा। मेरी आइसक्रीम 2 आवर्स में कम्प्लीटली सेट हो गई। फ्रीज करते टाइम आपको इसको आफ्टर एवरी 40 to 45 मिनट्स निकाल निकाल कर थोड़ा सा मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो इसका टेक्सचर आइस कैंडी या आइस लॉली जैसा हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अ क्रीमी आइसक्रीम टेक्सचर। तो इसको मिक्स करना ना भूलें। तो हमारी प्यारी सी टेस्टी सी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है और ये बहुत अच्छी है। मैंने इस पे थोड़ा सा चॉकलेट्स एंड मैंगोज डालकर डेकोरेट कर दिया है, बट ऑब्वियसली दैट विल एड अप टू योर कैलोरीज। आप इसको स्किप कर दें, कोई मुश्किल नहीं है, और उसके बाद इसको इंजॉय करें। इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में फॉर अबाउट 3 to 4 डेज एंड यू आर गुड टू गो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है।